हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुनाल न्यूट्रिशन एंड फिटनेस चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको एक प्रोटीन बार के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूं। तो यू नो, बहुत सारे मार्केट में प्रोटीन बार्स आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, जो आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम करता है। या फिर हम सोचते हैं कि 20 ग्राम प्रोटीन ले लिया, मैंने 10 ग्राम प्रोटीन खाया है तो ये बार खाने से मुझे अच्छा फील होगा, यू नो, मैं प्रोटीन की कवर अप, प्रोटीन का डेली कवर अप कर सकता हूँ। सो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि डाइजेशन में भी हमें इरिटेटिंग होता है। सो मुझे अभी मार्केट में एक प्रोटीन बार मिला है, जो कि कोई ब्रांड प्रमोशन या फिर किसी के लिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये जो मेरे एजुकेशन एंड इसके ऊपर जो मुझे अच्छा लगता है कि ये बार मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा एंड इवन आई ट्राइड। तो ये योगा बार का प्रोटीन बार है, जिसमें दो फ्लेवर्स मैंने उठा के लाया हूँ, जो कि और भी फ्लेवर्स होंगे मार्केट में, जो कि मुझे पता नहीं है, अभी तक आइडिया नहीं है। सो ये दो बार मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ आज, ओके। सो ये योगा बार के प्रोटीन बार्स है, जो कि बहुत अच्छा है न्यूट्रिशन वाइज। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या एग्जैक्ट है इसमें, ओके। सो फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग जब भी प्रोटीन बार्स लेते हैं तो ना हम क्या सोचते हैं कि 20 ग्राम प्रोटीन, तो डायरेक्ट देख के ही बोल देते हैं कि 20 ग्राम प्रोटीन, इट्स अमेजिंग, यू नो, एंड हम खरीद लेते हैं डायरेक्टली। सो यू नो, उससे पहले हमें वो बहुत जानना जरूरी है कि 20 ग्राम प्रोटीन इन लोगों ने ऐड कहाँ से किया है। लाइक यू नो, मोस्टली प्रोटीन बार्स जो होता है वो ड्राई फ्रूट्स एंड यू नो कुछ ऐड करके, चंक्स, सोया चंक्स या फिर कुछ वैसे प्रोटीन कवर अप कर रहे हैं। तो बल्कि इन लोगों ने जो 20 ग्राम प्रोटीन लिखा है तो उसका मैं आपको बताऊँगा कि प्रोटीन एग्जैक्टली कहता है कैसा है। सो यू नो, इन लोगों ने दिया है यहाँ पे, अभी हम जब न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट देखने से अच्छा आप इसके इंग्रेडिएंट देखिए कभी भी। तो इंग्रेडिएंट में हमेशा देखोगे तो आपको प्रोटीन कवर अप कहाँ से किया है इन लोगों ने, तो यहाँ पर दिखा है इन लोगों ने आलमंड्स एंड प्रोटीन ब्लेंड, जो कि बहुत अच्छा है। इन लोगों ने वे प्रोटीन एंड वे आइसोलेट एंड पी प्रोटीन डाला है, जो कि हमारे चना एंड इससे जो प्रोटीन कवर अप हो जाता है, तो ग्रीन पीस का जो प्रोटीन्स होता है। सो तीनों यहाँ से अगर लिया है तो अभी आप देखोगे तो 23% वे प्रोटीन ऐड किया है, बल्कि अगर 20 ग्राम प्रोटीन का अगर, सो 20 ग्राम इन लोगों ने कवर अप कहाँ से किया है? सो 20 ग्राम इन लोगों ने आलमंड्स, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन ब्लेंड ये ऐड किया है एंड इवन फ्लैक्स सीड्स ऐड किया है, ताकि आपको सैचुरेटेड फैट लेने से अच्छा मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट मिले। तो ये बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने। एंड सेकेंडली, नो एडेड शुगर इन लोगों ने बोला है, नो एडेड शुगर, ओके। तो अगर नो एडेड शुगर किया है तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखना है कि एक्चुअली शुगर है या कुछ और ऐड किया है। सो यू नो, अभी देखोगे इन्ग्रीडियंट में तो यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने कम्प्लीटली ज़ीरो एडेड शुगर, बल्कि टोटल शुगर 15.5 ग्राम है इसमें, लेकिन ऐड नहीं किया है। तो 15.5 ग्राम शुगर आई कहाँ से? तो अभी 15 ग्राम ये शुगर जो है वो आप इन लोगों ने डेट्स से कवर अप किया है, जो कि डेट्स आप ऐड करोगे तो डेट का जो शुगर होता है इट्स अ फ्रुक्टोज, ओके। तो स्वीट के लिए फ्रुक्टोज के वजह से वो जो फ्रुक्टोज का शुगर का फॉर्म होता है फ्रुक्टोज, सो फ्रुक्टोज से ऐड किया है इन लोगों ने। तो आप देख सकते हो कि मतलब टेस्ट वाइज अमेजिंग रहेगा ये डेफिनेटली। तो फ्रुक्टोज होने के कारण आपको ये टेस्टी भी लगेगा एंड हेवी भी होगा, क्योंकि डेट्स है, सो डेट्स है एंड फ्लैक्स सीड्स है, तो फ्लैक्स सीड्स से आपको इवन प्रीबायोटिक का भी कवर अप हो जाएगा, जो कि इन लोगों ने लिखा है इम्प्रूव प्रोटीन अब्जॉर्प्शन विद प्रोबायोटिक्स, है ना। तो अब्जॉर्प्शन प्रोटीन का बहुत अच्छा हो जाएगा। सो बहुत ही अच्छा है, रिकमेंडेड बार प्रोटीन बार्स है एंड इवन 326 कैलोरीज है। तो 326 मतलब एक कम्प्लीटली मील है ये आपकी, ओके, 70 ग्राम बार में। एंड अगर कोई आप लो कार्ब्स या फिर यू नो लो कार्ब लोडिंग पे चल रहा है तो आप ये कंज्यूम करके एक मील कम्प्लीटली कवर अप कर सकते हो। बल्कि इन लोगों ने, अभी मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी बताता हूँ, जो कि कार्बोहाइड्रेट इन लोगों ने लिखा है 25.6 ग्राम एंड टोटल फाइबर है 9 ग्राम, जो कि फाइबर हम मोस्टली डाइट में काउंट नहीं करते। तो 9 ग्राम ऑफ फाइबर्स एंड 25 ग्राम टोटल कार्ब्स,
सो टोटल का अगर 25, तो 9 ग्राम माइनस करने के बाद 14 ग्राम्स, ओनली 14 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट है. सो यू कैन इमेजिन कि इतना फाइबर ऐड किया है इन लोगों ने. ओके, सो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है एंड इवन ब्लोटिंग भी नहीं करेगा, बल्कि क्योंकि 76.7 ग्राम ओनली सोडियम है. सो इट्स अमेजिंग. मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जिसको मील रिप्लेसमेंट या फिर प्रोटीन कवर अप किसी और किसी को करना है. प्रोटीन कवर अप आप कर सकते हो पूरे दिन में आपका. सो इसमें दो फ्लेवर्स है जो कि मैं आज खुद ही ट्राई करना चाहता हूँ, तो टेस्ट वाइज हम देखना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है ये. ओके, सो आप देख सकते हो इसका अभी ओपन करने के बाद इसकी खुशबू भी एकदम कम्प्लीटली वे प्रोटीन. जब हम बॉक्स ओपन करते हैं वे प्रोटीन का, तो कम्प्लीटली सेम खुशबू है इसकी. तो ये आलमंड फज है जो कि मैंने ट्राई किया है ऑलरेडी, बल्कि बहुत ही अच्छा है. तो मैंने ये ट्राई नहीं किया, तो लेट्स ओपन दिस. या सेम खुशबू एंड सेम है ऑलमोस्ट. इनका दोनों का कलर वाइज देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, बट ब्राउनी थोड़ा सा डार्कर है. तो अब देख सकते हो ब्राउनी थोड़ा सा डार्कर है. तो मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको. जो डाइट पे होगा वही खा सकता है. टेस्ट वाइज अमेजिंग है, ओके है, बट जो डाइट वाइज डाइट पे होगा वो खा सकता है. इट्स गुड. टेस्ट वाइज लिटिल बिट ऑफ ज़्यादा कोको पाउडर का फीलिंग आ रहा है, क्योंकि थोड़ा फ्लेवर ये ब्राउनी है, चॉकलेट ब्राउनी. एंड ये खाया है बट स्टिल या दिस इज अमेजिंग. लिटिल बिट ऑफ आलमंड्स का फ्लेवर है इसमें एंड टेस्ट वाइज भी अमेजिंग है. सो दोनों भी बहुत अच्छे हैं, चॉकलेट फज एंड आलमंड फज फ्लेवर वाइज. सो दोनों ट्राई कीजिए आप. आई लाइक दिस बिकॉज इसका कुछ कड़वाहट नहीं है. इसका थोड़ा सा लिटिल बिट फज ब्राउन, चॉकलेट ब्राउनी बोला है इसलिए लिटिल बिट ऑफ कड़वा. सो न्यूट्रिशन वाइज 100% अमेजिंग. एंड आई कैन सी यहाँ पे कोई सोया या फिर कुछ ऐसा कुछ कंटेंट ऐड ही नहीं किया इन लोगों ने. सो अमेजिंग. ट्राई दिस, एक बार आप ट्राई करो, डेफिनेटली यू लव दिस बार. एंड प्रोटीन कवर अप हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 20 ग्राम प्रोटीन. इट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड होप दिस विल हेल्प यू. एंड प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं फिर से YouTube वीडियो बनाना शुरू किया है. तो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.